हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन। आज आप लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में एक्सरसाइज 3.6। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग में बदल करके हल कीजिए। रैखिक समीकरण में इसको बदलना है और उसके बाद हल करना है। ये नहीं कह रहा है कि किस विधि से हल करना है, हम किसी विधि से भी हल कर देंगे। सबसे पहले रैखिक युग्म में इसको बनाना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, इसमें और भी क्वेश्चन है, कम से कम 6-7-8 क्वेश्चन है। तो इसमें का पहला भाग देखिए, ये आप देख रहे हैं कि ये बाटा पे का जोड़ है, तो इसको बाटा पे का जोड़ बना देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, एक बाटा 2x प्लस एक बाटा 3y बराबर 2। अब इसको हम या बाटा पे का जोड़ बना सकते हैं। तो देखिए दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6xy। यहां पर 2x इसको कटाएंगे तो 2×3 = 6। इसे मान लीजिए 6xy में 2x हम भाग लगाएंगे तो x कट जाएगा और 2×3 = 6, यानी कि 3y बच जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 3y प्लस 3y से कटेगा तो ये बच जाएगा 2x बराबर 2। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहां पर तिरय गुणा हो जाएगा, तो ये 2x जो है पहले रहता है, x पहले, x चर पहले रहता है, y चर बाद में रहता है, तो हम उसको पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तिरय गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6×12xy। ये हो गया समीकरण एक। और फिर इसको देखिए लिख लेंगे, एक बटा 3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, यहां पर देखिए 6xy, तो फिर इसी प्रकार से हो जाएगा, यहां 2y हो जाएगा और यहां पर 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13/6। यहां पर तिरय गुणा हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6×6 कट जाएगा क्योंकि बाटा के नीचे भी है, बाटा के नीचे भी बराबर 8 बार है तो कट जाता है। तो तिरय गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 13xy। ये हो गया समीकरण दो। तब इसे हम विलोपन विधि से बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, समीकरण एक में, अब यहाँ पर देखिए समीकरण एक में क्या है, 2x 3y, यहाँ पर है 3x 2y, तो किसी एक चर को बराबर करेंगे विलोपन विधि में। तो देखो क्या करेंगे, 2x 3y, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको बराबर कर देते हैं x वाले, तो x वाले बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण एक में तीन से, समीकरण तीन में क्या है, तीन है, दो में तीन है और एक में दो है, तो इसमें समीकरण एक में तीन से तथा समीकरण दो में गुणाकार घटाने पर, देखिए अब इसको गुणा करते हैं तो समीकरण एक में तीन से करना है, 3×2 = 6x प्लस 3×3 = 9y। ठीक है, और ये हो जाएगा 12×3 = 36। फिर इसमें कीजिए दो से, तो 2×3 = 6x प्लस 2×3 = 4y बराबर 26xy। ठीक है, समीकरण दो में दो से ही करना है, तो 13 है तो 13×2 = 26 हो जाएगा, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर देखिए 9 में से 4 गया 5y बराबर इधर हो गया 0 1xy। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इधर xy है और इधर y है, तो अगर y बाटा में आएगा तो कट जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, या 5y बाटा
वाई वाला बाटा में आएगा तो यानी कि 10 वाई हो जाएगा, बराबर में क्या बन जाएगा एक्स, एक्स बराबर हो गया 10 वाई इधर गुना इधर आकर भागा हो गया, वाई वाई कैंसिल हो गया 5 × 2 = 10, तो यहां पर हो गया 1/2 = x, यानी कि x बराबर 1/2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए यहां पर 2 है, x के जगह पर लिखना है 1/2, तो गुना हो जाएगा 1/2 प्लस 3y = 12xy, 2 कैंसिल हो गया, यहां पर हो गया 1 + 3y = 12, x का मान 1/2 है तो हो जाएगा 1/2 गुना y, 2 × 12, तो यहां पर हो गया 1 + ये 6y हो गया, 6y जब उधर जाए ये 3y उधर जाएगा तो हो जाएगा -3y, फिर इधर देखिए यहां पर 1 लिख दीजिए तो ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y, इसको घटा कर इधर 3y लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, बराबर वो में 1 है बराबर 1 हो गया, इसलिए y बराबर हो गया 1/3, तो हमारा आ गया x बराबर 1/2, y बराबर 1/3, और ये हो गया आंसर। तो इस मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। इसमें हम देख रहे हैं कि रूट एक्स है इसके हर में और इसके हर में रूट वाई है, और इसमें भी रूट एक्स है और इसमें भी रूट वाई है, दोनों का स्थिति एक जैसा है, इसलिए इसको मानना पड़ेगा। जिसे मान लीजिए कैसे मानेंगे हम, माना कि 1/√x बराबर इसको, और हम मान लेते हैं m, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तथा 1/√y = n समीकरण 2, ये हमने मान लिया, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए 1/√x = m है, तो 1/√x का मान m हो गया, यहां पर 2 है तो क्या हो जाएगा 2m प्लस ये हो जाएगा 3, 1/√y का क्या है n, तो हो जाएगा 3n = 2, तो ये हो गया समीकरण 3, और इसी प्रकार से हो जाएगा ये 4m - 9n = -1 समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 में इसको भी विलोपन विधि से बनाएंगे, अगर यहां 2 आ जाता है तो घटाने पर लिखेंगे तो ये m वाला कट जाएगा, अगर यहां पर 3 आ जाता है तो जोड़ने पर लिखेंगे तो इसको ही जोड़ने पर लिख देते हैं, समीकरण 3 में 3 से गुणा कर जोड़ने पर, समीकरण 3 ये है, अब इससे अभी मतलब नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, अब ये इस दोनों से हम ये दोनों बनाए हैं समीकरण 3 और 4, तो समीकरण 3 और 4 से ही हम कुछ भी करेंगे, तो इसमें करना है 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2×3 = 6m + 9n = 6, और ये जो कहते हैं उतर जाएगा 4m - 9n = -1, तो यहां पर देखिए ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा 10m = 5, तो m बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 5/10 होगा तो 5×10 कट जाएगा। अब m का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखिए 2×1/2 + 3n = 2, 2 कट गया 3n = 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1,
तो 3n बराबर 1 हो जाएगा और इसलिए n बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो n का मान आ गया 1/3 और m का मान आ गया 1/2। अब m तथा n का मान क्रमशः समीकरण 1 और 2 में रखने पर m n का मान रखेंगे क्रमशः, अब देखें क्या होगा। 1/√x, तो x का मान हमको तो निकालना है बराबर। यहां पर देखिए m का मान कितना आया है 1/2, तो हम m के जगह पर यहां पर देखिए समीकरण 1 में m है, m के जगह पर लिखेंगे 1/2, तो यहां लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। ठीक है, यहां पर त्रियक गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा √x/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2^2 हो जाएगा, क्योंकि इधर से रूट जब हटेगा तो पावर चढ़ता है, आप लोगों को पता है। तो ये हो जाएगा 2^2 = 4 तथा यहां पर देखिए एक और है 1/√y/, एन रखना है, एन का मान क्या है 1/3 है, तो हम लिख देंगे इसी प्रकार से 1/3, तो ये हो जाएगा √y/3 हो जाएगा, तो इसलिए y/ हो जाएगा 3^2 यानी कि 3^9। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा x/4 y/9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। इसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा आगे क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल है, इसको कुछ करना नहीं है। ये यहाँ पर बाटा में जोड़ नहीं बनेगा, क्योंकि बाटा में एक आएगा तो फिर उस दोनों एक प्रकार से नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे और ये समीकरण 2 और डायरेक्ट इसको बना लेंगे। समीकरण ये हो गया, समीकरण युग्म कह रहा है बनाने के लिए, तो समीकरण युग्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए समीकरण, अब हम इसको कटाएंगे y चर को, तो y चर को कटाने में देखिए माइनस है प्लस है तो जोड़ने पर लिखना पड़ेगा, ये आपको पता है। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, 1 में 4 से देखिए 4 यहां पर होगा तो 12 हो जाएगा, फिर यहां 3 से गुना होगा तो 3^4 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर जोड़ने पर तो इसमें 4 से करना है, तो देखिए हो जाए 16/x + 12y = 14^4 = 56। आराम से ध्यान से देखिएगा, फिर ये हो जाएगा इसमें कैसे करना है 3 से, तो 3^3 = 9/x - 12y = 13^4 फिर 23^3 = 69। ये माइन चिन्ह नहीं बदलेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये बाटा का जोड़ हो गया, तो 16/x + 9/x = यहां पर क्या आ जाएगा, ये दोनों जोड़ेगा 9 × 6 = 15 × 6 = 11 = 12 = 125 हो जाएगा। अब यहां पर ये बाटा करके जोड़ बन जाएगा, 1 सर्वोत्तम हो जाएगा, तो हो जाएगा 16+9 = 125। यहां पर देखिए 16 × 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रियक गुणा यहां पर कीजिएगा तो हो जाएगा 125x, ठीक है = 25, 16 × 9 = 25, तो x बराबर हो जाएगा 25/125, 25 × 25 से यानी कि 1/5, यहां पर ब्रेक है इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/5।
अब x का मान किसी में रख दीजिए, अब x का मान समीकरण एक में, रखने पर तो देखिए यहां पर चार है और x के जगह पर लिखना है 1/5। तो हम क्या करेंगे, चार आप इस समय इस प्रकार समझेंगे, चार जहां बाटा है वहां पर हम लिख देंगे भागा, कोई दिक्कत नहीं। और x के जगह लिखना है 1/5, 1/5 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस में है 3y = 14। अभी आप लोग पता है 4 गुना हो जाएगा 5, उलट जाएगा 5/1 हो जाएगा, प्लस 3y = 14, 5 × 20 3y = 14, 20 उधर जाएगा तो हो जाएगा -20, 3y = हो जाएगा -6, इसलिए y = हो जाएगा 3 × 6 -2, इसलिए हमारा हो गया x = 1/5 और y = हो गया -2, और ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां पर है x-1 y-2, यहां पर है, यहां भी x-1 है y-2 यहां पर है, तो हम दोनों स्थिति में क्या करेंगे मान लेंगे। तो चौथा क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, माना कि इसको मान लेंगे, यहां पर हर में एक मान लीजिए, 1/(x-1) = एम माने हैं तो एम मान लीजिए, समीकरण एक हो गया, तथा 1/(y-2) है तो y-2 मान लेते हैं बराबर एन, ये हो गया समीकरण दो। हम मानते क्यों हैं, इसका कारण क्या है, मानते इसलिए हैं कि आपको समीकरण जो है इजी हो जाएगा, आपका समीकरण बहुत ही इजी हो जाएगा और हमें समीकरण युग्म में भी बनाना है तो इसलिए इसको मानना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए समीकरण युग्म में यहां पर क्या हो जाएगा, x-1 = 1/(x-1) मान लीजिए एम, तो ये हो जाएगा 5m हो जाएगा, ठीक है, प्लस और इतना बराबर हम मान लिए हैं n, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, n हो जाएगा बराबर 2, ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 6m-3n हो जाएगा, जो ऊपर आएगा उसी के हो जाएगा, क्योंकि बाटा वाला तो माना गया है, तो 3n = हो जाएगा 1, ये हो गया समीकरण 4। अब देखिए कितना आसान हो गया, यह प्लस है यहां माइनस है, अगर यहां 3 आ जाता है तो यह आराम से कट जाएगा, जोड़ने पर लिख देंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में 3 से गुणा कर जोड़ने पर, तो यहां पर देखिए गुना कीजिए 3 से, 3×5 = 15m + 3n = 3×6, ये हो गया 6m-3n = 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, 15 6 हो गया 21m = 7, तो m बराबर हो गया 1/3, 7×21 मान लीजिए लिख देंगे 7/21, तो 7×21 1/3 आ जाएगा, तो लिख लीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर m बराबर इतना आ गया, अब m का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रख, 3 में रखेंगे, एक में कहां से, एक तो ये है 3, 4 से ना बनाए हैं ये, तो 3 में रखेंगे तो हो जाएगा 5×1/3, एम का मान रखना है, +n = 2, तो ये देखिए ये उधर चला जाएगा तो n = हो जाएगा 2, 5/3 है उधर जाएगा तो हो जाएगा -5/3, ये बाटा पर कर घटाव बन जाएगा, 3 हो जाएगा 6-5, यहाँ पर देखिए बाटा 1 है,
एक से तीन बार, तीन दूनी छ, तो छ माइनस पांच हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा, इसलिए एन बराबर एक बटा तीन, इसमें भी एक बटा तीन आ जाएगा। आगे देखिए, अब एन तथा एन का मान समीकरण मान क्रमशः समीकरण जो माने हैं एक तथा दो में रखने पर, एक तथा दो में रखेंगे एन का मान, तो देखिए एम का मान यहां पर आया है एक बटा तीन, तो जहां एम है वहां पर एक बटा तीन लिख देंगे, बाकी ये लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा एक बटा एक्स माइनस वन बराबर एक बटा तीन, तथा तथा करके दोनों मान लगातार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बटा वाई माइनस टू बराबर एन का मान कितना आया है एक बटा तीन, एक बटा तीन। अब यहां पर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स माइनस वन बराबर तीन तथा हो जाएगा वाई माइनस टू बराबर तीन, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर तीन, एक जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस वन, तथा वाई बराबर हो जाएगा तीन, दो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा दो, इसलिए हो जाएगा एक्स बराबर चार तथा वाई बराबर क्या आ जाएगा पांच। ठीक है, अब ये हो जाएगा अपना आंसर। तो ध्यान से देखिएगा तो समझ जाइएगा किस प्रकार से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए फिर समझा देते हैं, हमने क्या किया मान लिया दोनों में हर देख रहे हैं कि यहां पर जो इसका है एक्स का चर जो है इसका हर बराबर है, इसका भी हर बराबर है, तो हम दोनों मान लेंगे, दोनों में ये हमारा अगर तीन और चार समीकरण बन गया, और इसके बाद यहां पर निकाल दिया आराम से बन गया। आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पांचवा छठा और सातवां, देखिए किस प्रकार से बनेगा, आप लोग इसमें बना सकते हैं। देखिए जैसे इसको क्या कीजिएगा, त्रिया गुणा कर दीजिएगा, त्रिया गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा सात एक्स माइनस टू वाई बराबर हो जाएगा फाइव एक्स वाई। जिस प्रकार से ये पहला समीकरण मान लीजिएगा, और ये हो जाएगा आठ एक्स प्लस टू वाई सेवन वाई बराबर हो जाएगा पंद्रह एक्स वाई समीकरण दो। तो जिस प्रकार से आप जैसे कि पहला क्वेश्चन देखे थे कैसे बनाए हैं हम, तो उसी प्रकार से आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, और ये भी इसी प्रकार का हो गया, तो ये भी बना सकते हैं विलोपन विधि से, इसमें तीन से गुणा कीजिएगा तो तीन दूनी छह हो जाएगा, इसी में सिर्फ तीन से गुणा कर घटाने पर लिख दीजिएगा बन जाएगा आराम से, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन बन जाएगा तो आपका आप जो है ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चौथा की तरह है, लेकिन अंतर सिर्फ इसमें इतना है कि चौथा क्वेश्चन में एक्स के बाद एक अचर राशि था, लेकिन इसमें दोनों जो है चर ही है, तो इसलिए थोड़ा भिन्न होगा। तो देखिए कैसे सातवां क्वेश्चन बनेगा, यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। सातवां क्वेश्चन ये दोनों बनाइएगा आप लोग, पांचवा और छठा। ठीक है, इसमें मान लेंगे, माना कि एक बटा एक्स प्लस वाई बराबर एम मान लिया समीकरण एक, तथा एक बटा एक्स माइनस वाई बराबर एन समीकरण दो मान लिया, इसलिए हमारा समीकरण तीन क्या बन जाएगा, यहां पर दस है तो एक बटा एक्स प्लस वाई तो हो गया एम, तो ये हो जाएगा दस एम प्लस टू एन बराबर चार। यहां पर देखिए ये दो से भाग लग जाएगा, तो इसको लगा सकते हैं पांच एम प्लस एन बराबर टू, ये हो गया समीकरण तीन, तथा यहां लिख सकते हैं पंद्रह एम माइनस पांच एन बराबर माइनस टू। ठीक है,
ये हो गया समीकरण चार। अब यहां देखिए, अगर हम इसमें पांच से गुणा करते हैं और जोड़ने पर लिखेंगे तो आराम से ये हमारा कट जाएगा विलोपन विधि द्वारा। तो क्या करेंगे, समीकरण तीन में पांच से गुणा कर, पांच से गुणा करेंगे तो यहां पांच आ जाएगा, पांच प्लस में होगा और पांच माइनस में कट जाएगा, गुणा कर जोड़ने पर। तो देखिए इसमें पांच से गुणा कीजिए तो हो जाएगा पांच बजे 25m प्लस 5n बराबर 5 दुनी 10, और यहां पर जो है उसको लिख देंगे माइनस 2, कट गया। तो यहां पर हो गया, ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 और 15 40 हो जाएगा, 40m बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। अब आगे देखिए m बराबर, इसलिए m बराबर हो जाएगा 8 45 यानी कि 1/5, क्योंकि 8/40 हो जाएगा तो 5 8 5 40 हो जाता है, 1/5 हो जाएगा। m का मान यहां पर 1/5 आ गया, तो अब m का मान समीकरण तीन में रखिए, तीन में रखने पर तो यहां पर देखिए 5 × 1/5 प्लस एन बराबर 2, एन बराबर हो जाएगा कट जाएगा ये, तो 2 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसलिए एन बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए एन बराबर इतना आ गया, एन बराबर इतना आ गया, इसको हम 1 और 2 में रख देंगे। तो देखिए अब m तथा n का मान क्रमशः समीकरण 1 तथा 2 में रखने पर, यहां पर क्रमशः इसलिए लिखा जाता है कि m का मान रखेंगे समीकरण 1 में यहां पर, और 2 n का मान रखेंगे समीकरण 2 में, जो पहले रहता है वो पहले में, बाद में रहता है वो बाद में, इसलिए इस पर क्रमशः लिखते हैं। तो यहां पर देखिए आगे मान रखिए 1/x + y बराबर m का मान कितना है 1/5, 1/5 तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा x + y = 5, ये हो गया समीकरण 5 तथा 1/x - y, 1/x - y बराबर n का मान कितना है 1 है, ये हो जाएगा x - y = 1, ये हो गया समीकरण 6, ठीक है। अब यहां पर समीकरण 5 और ये समीकरण 6 बन गया, तो यहां पर देखिए उसके बाद कैसे बनेगा, समीकरण देखिए x + y है और यहां पर x - y है, तो आराम से जोड़ने पर लिख देंगे समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए आराम से x + y = हो गया 5, x - y = 1, कट गया 2x = 6 आ गया, इसलिए x = 3। अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में हमारा समीकरण क्या है x + y = 5, तो x का मान है 3, तो 3 + y = हो गया 5, तो इसलिए y बराबर हो गया 5 - 3 = 2, तो इसलिए हम लिख सकते हैं x = 3 y = 2, और ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा,
अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आठवां भाग देखिए और पहला क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है आठवां। तो देखिए इस प्रकार बनेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह बनेगा। तो अंतर इसमें सिर्फ इतना है कि यहां पर दो रो लगा है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और ध्यान नहीं दीजिएगा तो हल्का से हल्का क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता है। इसलिए मेरा कहना मानिए कि कोई भी मैथ को ध्यान से एकाग्रता लाइए और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए उसी प्रकार से हम इसको मान लेंगे। आठवां क्वेश्चन, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा। माना कि एक बाटा, यहां पर देखिए 3x प्लस वाई, इसमें भी 3x प्लस वाई है, 3x माइनस वाई है, यहां पर 3x माइनस वाई, यही मान लेंगे। माना कि एक बाटा 3x प्लस वाई बराबर m समीकरण एक, तथा एक बाटा 3x माइनस वाई बराबर m, इसको समीकरण दो मान लेते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए एक बाटा 3x प्लस वन वाई बराबर है m, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, m प्लस, इसके जगह पर है n, तो लिख देंगे n बराबर 3 बाटा 4, ये हो गया समीकरण 3। आराम से देखते रहिए, समझ में आएगा। यहां पर देखिए इसका मान कितना है, m है, तो हम लिख देंगे m, ठीक है। ये बाटा में 2 है, तो बाटा में 2 है तो यहां पर बाटा में 2 लिखा जाएगा, प्लस एक बाटा एन हो जाएगा और बाटा हो जाएगा 2, अब बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस एक बटा 8। यहां पर देखिए अब क्या करेंगे, बाटा पर अगर घटाव बना देंगे तो यह हो जाएगा, यहां तथा हो गया, दो लघुत्तम हो जाएगा, तो हो जाएगा एम माइनस एन बराबर माइनस एक बटा 8। यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, बाटा के नीचे है तो ये हो जाएगा 4, दो दूनी के 4, 2 × 2, तो इसको लिख सकते हैं या एम माइनस एन बराबर माइनस एक बाटा 4, ठीक है। ये हो गया समीकरण 4। अब देखिए यहां पर समीकरण 3 में एम प्लस एन और समीकरण 4 में एम माइनस एन, जोड़ने पर लिख देंगे आराम से बन जाएगा। समीकरण 3 और ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एम प्लस एन बराबर 3 बटा 4, एम माइनस एन बराबर माइनस एक बटा 4, ये कट जाएगा, 2m बराबर हो जाएगा 3 बटा 4 और माइनस एक बटा 4, यहां पर घटाव बन जाएगा, चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो 2m बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, 4 लघुत्तम हो जाएगा, तो m बराबर 2 बटा 4, और ये जो 2 है इधर गुना है तो इधर आके बाटा के नीचे आ जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, तो बराबर हो गया 1 बटा 4, यानी कि इसलिए m बराबर हो जाएगा 1 बटा 4। अब m का मान समीकरण 3 में रखिए, 3 में रखने पर अब यहां पर हम 3 और 4 से बना रहे हैं, तो जो मान आएगा उसको 3 में रखेंगे या 4 में रखेंगे, 1 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 2 तो ये समीकरण बनाए हैं इसी से,
आगे देखिए, m जहां है वहां पर लिख देना है एक बटा चार, तो हो जाएगा एक बटा चार प्लस एन बराबर तीन बटा चार, एन बराबर हो जाएगा तीन बटा चार, ये एक बटा चार इधर प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा माइनस में। आराम से आप इसको बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, देखिए तीन माइनस वन बटा हो जाएगा चार, तो ये हो जाएगा एक बटा दो बटा चार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए n बराबर हो जाएगा एक बटा दो, यहां पर कटा सकते हैं इसको, तो n बराबर आ गया हमारा दो एक बटा दो और n बराबर एक बटा चार। तो हम m और n को मान रख देंगे इसमें एक और दो में, अब लिखेंगे अब m तथा n का मान क्रमशः समीकरण एक तथा दो में रखने पर, देखिए रखिए इसमें एक बाटा थ्री एक्स प्लस वाई बराबर एम का मान कितना आया है, देखिए ध्यान दीजिए एम का मान आया है एक बटा चार, तो हम लिख देंगे यहां पर एक बटा चार, तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई बराबर चार। यहां पर देखिए तिरिया गुणा कीजिएगा, एक में कीजिएगा तो हो जाएगा इस चार को एक में कीजिएगा तो चार हो जाएगा, ये हमारा यहां पर बन गया समीकरण पांच। और इसी प्रकार से इसको मान रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा एक बाटा थ्री एक्स, और लिखिए तथा लिखिए कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर एक बटा एन का मान है एक बटा दो, ठीक है। तो ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा, या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई बराबर दो, समीकरण छ। अब यहां पर देखिए समीकरण पांच और छ को हम लड़ा देंगे, देखिए यहां पर प्लस वाई है और यहां पर माइनस वाई है, जोड़ने पर लिख देंगे हो जाएगा। तो समीकरण पांच तथा छ को जोड़ने पर, तो देखिए जोड़िए थ्री एक्स प्लस वाई बराबर चार, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर दो, कट गया यहां पर हो गया छ एक्स बराबर छ, एक्स बराबर हो जाएगा एक। अब एक्स का मान समीकरण इसमें रखेंगे, किस में रख देंगे पांच में रखने पर, पांच में रखने पर, ठीक है। यहां देखिए पांच ये है, तो ये हो जाएगा थ्री गुना वन, थ्री गुना वन वा एक्स के जगह पर हमको वन रखना है तो वन रख दिया, प्लस वाई बराबर चार। तो यहां पर देखिए वाई बराबर हो जाएगा चार और ये गुना हो गया तो तीन हो गया, तीन उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस तीन, ठीक है। इसलिए वाई बराबर आ गया यहां पर एक, तो यहां पर हो गया हमारा आंसर, इसलिए एक्स बराबर एक और वाई बराबर एक और ये दोनों हो गया आंसर। तो ध्यान से देख लीजिए, तो आज के लिए इतना है, अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।